की मेरी रेसिपी है कच्चे चावल से बना हुआ राइस एंड मिक्स वेज पैनकेक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये इंस्टेंट बनता है। इसके लिए हमें कुछ भी भिगाना नहीं है पहले से, आपको जब इच्छा करे तभी आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए आप एक कटोरी या एक कप चावल लें, उन्हें मिक्सी में डालकर पीस लें। अब उसी में डालें आधा कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप ही पानी। अब इसे पीस लें। मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया था, वो अब मैंने पीसने के बाद, अब मुझे लग रहा है थोड़ा गाढ़ा है और मिक्सी में भी हमें लगा हुआ है जो हमारा मिश्रण मिक्सी में लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा वो पानी डालें और मिक्सी को धोकर मिक्सी जार को वो इसमें मिला दें। तो ये हमारा गोल रेडी है। अब इसमें स्वाद अनुसार पिंक सॉल्ट डालें और इसे मिलाकर थोड़ी देर करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दें, जब तक हम सारी सब्जियां काट लेंगे जो भी हमें डालनी हो। अब इसमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालें 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च अदरक, 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 चम्मच उबले हुए मटर, 2 चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़े से करीब पीसे करी पत्ता है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया वो भी इसमें डाल दें। अब इसमें डालें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा नमक हम पहले डाल चुके थे, अब मैंने थोड़ा सा और सादा नमक मिलाया है। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा से एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है तो आप मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ काफ़ी सारा धनिया डालें, अच्छे से इसे मिलाएं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, उसे चारों तरफ घुमाएं तेल को, जिससे हमारा पैन ग्रीस हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच से भर कर ये मिश्रण डाल दें, उसे चारों तरफ फैला दें, थोड़ा सा साइड में तेल दें और इसे ढक कर आँच धीमी कर कर पकाएं। तो 3 मिनट में ये ऊपर से हल्का पका हुआ दिखे तब आप इसे पलट दें और हल्का सा तेल और डाल दें, फिर से इसे ढक कर पकाएं। इस तरह से आप सारे पैनकेक्स तैयार कर सकते हैं। हर बार आप बहुत हल्का सा तेल डालें, 2 लैडरफुल मिश्रण डालें, फैलाएं उसे, गैस की आंच धीमे रखें, पलटें, आपको जितना ऑयल चाहिए उसे आपसे ऑयल डालें और इसे थोड़ा सा दबाकर सेकें। आंच का आप ध्यान रखें, धीमे तेज जो भी करें आप ध्यान से या साथ में रहकर ही करें। इस तरह से सारे पैनकेक्स बना लें। ये पैनकेक राइस पैनकेक बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसमें हमें कुछ भी ना भिगाना है ना कुछ करना है, बस इंस्टेंट जब मन करे तभी बना सकते हैं और जो मर्जी आए आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा टेस्टी राइस एंड मिक्स वेज से बना हुआ राइस मिक्स वेज पैनकेक। तो खाएं, खिलाएं और बताएं आपको कैसा लगा।